13.1.3 गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए हम एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष x' लिया जाता है। यह परिपाटी इस प्रकार है। पहला, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर वस्तु से प्रकाश बाईं ओर से दाईं ओर आपतित होती है। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तीसरा, मूल बिंदु के दाईं ओर x अक्ष के धनात्मक दिशा के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष के ऋणात्मक दिशा के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। चौथा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर धनात्मक y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। पांचवा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर ऋणात्मक y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। यहां वर्णित नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपके संदर्भ के लिए चित्र में दर्शाई गई हैं। यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए प्रयुक्त की गई हैं।